हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड द लेसन नेम इज़ अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी एल फ्लुएंस नरेट्स इन दिस चैप्टर डैट गॉड इज ग्रेट एंड ए पुअर फार्मर हु इज़ डिप्रेस्ड बाय रूइन ऑफ हिज क्रॉप्स इन ए हैवी रेन। ही रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में बहुत विश्वास था। एंड दैट्स वाई ही रोट ए लेटर, इसीलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है। नाउ सी वॉट हैपेंड, डिड ही रियली आंसर गेट द आंसर ऑफ द लेटर, डिड गॉड हियर हिज वर्ड्स, या he gets the money that he demanded for. So let's see the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower. Means writer says the house of the lancer was situated the only entire valley, means पूरे घाटी में एक ही घर था, and it was the only one house, एक लौता घर था, set on the crest of a low hill, that was situated on the low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest, and from that height और उस ऊंचाई से वन कुड सी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, छोटे छोटे पके हुए फसलों के खेतों को एनीबडी कैन सी, कोई भी देख सकता था। एंड द हार्वेस्ट, और जो फसल थी डैट वॉज प्रोमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट डैट ईयर, और जो फसल थी वो एक अच्छे फसल की वादा कर रही थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर या एटलीस्ट अ सावर, एंड ओनली थिंग रिक्वायर्ड बाय द फील्ड वॉज द डाउन पोर, और केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, एंड डैट वॉज द रेन या एटलीस्ट अ सावर, या एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ऑन दैट डे, उस दिन ही डिड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया एक्सेप्ट टू स्टैंड इन मिडिल ऑफ द फील्ड एंड वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और केवल वो नॉर्थ ईस्ट की ओर लुकिंग कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, एंड ही वॉज गेसिंग एंड टेलिंग टू हिज वाइफ, लैंचो वॉज गेसिंग टू सी द एटमोसफियर, उस एटमोसफियर को गेस करके वह कह रहा था कि मे वी सेव वी गेट सम वाटर, शायद हमें आज वाटर या पानी या वर्षा हो जाए। द वुमेन अफर्मेटेड इन यस, और उसकी वाइफ ने भी पॉजिटिव आंसर दिया। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, हिज वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग फूड एट दैट टाइम, एंड सी रिप्लाइड, सी आंसर्ड, उसने भी कहा यस गॉड विलिंग, इफ गॉड विल, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वी कैन गेट, हमें पानी मिल सकता है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, एंड लैंचोस बॉयज द एल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड विथ हिम, जो बड़ा लड़का था वह उसके साथ खेत में काम कर रहा था। वाइल द यंगर चाइल्ड, जबकि छोटा बच्चा वॉज प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो पास के घर के पास ही खेल रहे थे। एंड वेन दियर मदर कॉल देम टू ईट, जब उनकी माँ ने उन्हें बुलाया खाना के लिए, कम फॉर डिनर, कम ऑल, आप सारे आओ, बिकॉज द डिनर इज रेडी, डिनर तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, एंड एज द वुमेन कॉल्ड हिज बॉयज हिज चिल्ड्रेन टू हैव फूड,
सडनली एस लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें फॉलिंग होना शुरू हो गई, नीचे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से ह्यूज क्लाउड्स कैन बी सीन कमिंग, और उत्तर पूर्व की ओर से बड़े बड़े बादलों का आना ऐसा दिखता आना आते हुए दिखना शुरू हो गया था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर वॉज फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड स्वीटनेस, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड लैंचो केम टू द हाउस जस्ट टू, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, किसी और रीजन से नहीं, इनफैक्ट जस्ट टू गेट द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ही जस्ट वॉन्टेड टू फील द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन हिज बॉडी, वो अपने बॉडी पे वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर आया, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स नाउ, वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आने लगा तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, वो खुशी से कहता है दीज आर नॉट रेनिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश नहीं हो रही है, इनफैक्ट दीज आर दिस न्यू कॉइन्स, इनफैक्ट ये सिक्के हैं, दिस इज़ नॉट ड्रॉप्स, ये बूंद नहीं है, दिस इज़ अ न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, डैट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से बरस रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5s, इफ वी टॉक अबाउट द बिग ड्रॉप्स, यदि हम बड़ी बूंदों की बातें करें तो दे आर 10 cent पीसेस, तो ये 10 cent पीसेस जैसे हैं, ये 10 paise के सिक्के जैसे हैं, वाइल दी लिटिल वंस, जबकि जो छोटे ड्रॉप्स हैं दे आर लाइक 5, ये 5 rupees के सिक्के जैसे हैं। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन्स, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन विथ फुल ऑफ कंटेंट, वेन द लैंचो फुल ऑफ कंटेंट, जब एकदम सेटिस्फाइड हो गया, एकदम संतुष्ट हो गया, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, तो ही टच द फ्लावर्स ऑफ द राइप कॉर्न, तो पके हुए फसलों के फूलों को वो टच करता है। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन दैन द फ्लावर्स द रेन द होल फील्ड वॉज कवर्ड बाय द कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरी खेत थी या फसल थी वो एकदम वर्षा की बूंदों से एकदम कवर हो चुकी थी, एकदम से वो लेयर बन गया बना हुआ था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बट सडनली द एटमॉस्फियर कम्प्लीटली चेंज, एकदम से एटमॉस्फियर चेंज हो जाता है, द सिल्वर क्वाइंस ड्रॉप रेनिंग फ्रॉम द स्काई, वो चांदी की जैसी बूंदें डेट वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही थी, नाउ दे टर्न इट इन टू हेल स्टॉम, अब वे हेल स्टॉम में चेंज हो चुकी थी। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऑल दो स्टिल दे वेयर सिल्वर कॉइन्स, हालांकि वे चांदी के सिक्के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज ऑल्सो हैड कम आउट ऑफ द हाउस, बच्चे भी घर के बाहर आ गए थे टू फील द प्लेजर ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयल्स, और वे दे रेन आउट, वे दौड़े इन दैट स्टोन्स दर स्नो स्टोन, वे जो बर्फ के जो टुकड़े पड़ रहे थे, दे वे लुकिंग लाइक अ पल्स, वे एकदम पल्स एकदम मोतियों जैसे लग रहे थे। द बॉयज रेन आउट टू कलेक्ट देम ऑल, उन सबको इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट, सो टिल देन रिवाइज एंड